भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। श्रीमद् भागवत रहस्य में से अर्जुन का द्वारका से लौटना। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने जो कहा था वो समय अब आ रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता है। स्यार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुम्हें मैं और क्या कहूं। मैं कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है, इसलिए ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है, एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वो सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, सो उसमें से जो कुछ भी मिला वो सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा कि उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में ही इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। वे अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब हो ही गया है। कली अर्थात कलंक का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन कृष्ण की कथा होती है वहां कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसका मुख मलिन था, उसके मुख पर तेज का नामो निशान नहीं था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तुम्हारा तेज कहां गया। अर्जुन, तुमने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहे तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में, तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। गीताजी में भगवान ने उसको गुरुत्तम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक नहीं देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माताजी, मैं तो भरत खंड का वासी हूं, मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर ये आज निस्तेज क्यों है? मुझे तो ये लक्षण कलयुग के लगते हैं। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले।